बात करने के लिए लॉग इन करें डब्ल्यू मित्रों नमस्कार मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल सुगम और सफल बनाए सिर्फ एस्ट्रो तक पर मित्रों निवेदन है आपसे कि एस्ट्रो तक को लाइक करें सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़रूर शेयर करें पुण्य जरूर कमाएं अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं तो सीधा जाइए एस्ट्रो डॉट कॉम पर मेरे प्रोफाइल पर आकर सर्विस सेलेक्ट कीजिए और सीधा मुझे कॉल मिला लीजिए मुझे आपके कॉल का इंतज़ार रहेगा तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और कमल नंदलाल के महा उपाय में आ, डिस्कस करेंगे आज के खास विषय पर मित्रों पितृपक्ष शुरू हो गया है होने जा रहा है और पितृपक्ष पितरों का सोलह दिन का विशेष पर्व है एक ऐसा पर्व है जब पितृ जो हैं हमारे पूर्वज जो हैं वो सूक्ष्म रूप में पितृलोक से धरती पर सोलह दिनों के लिए आते हैं और इन सोलह दिनों पर सिर्फ उन्हीं का ही अधिकार है इन सोलह दिनों में किसी भी तरीके का शुभ काम नहीं होता और ये दिन सिर्फ और सिर्फ पितरों के निमित्त ही माने जाते हैं खास और विशेष ये सोलह दिन और आज हम बात करेंगे कुछ दोषों में से एक ऐसे पितृदोष की जो खुद पे होता है और आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी यही बता रहा है कि कैसे पाएं पूर्व जन्म के स्वयं ऋण से मुक्ति जानी उपाय के साथ में दोस्तों हमें ये जो जन्म मिला है या इससे पहले जितने भी हमारे जन्म हुए हैं इन सभी जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा हमें चुकाना ही पड़ता है चाहे वो दुख भोग कर चाहे वो सुख भोग कर चाहे वो ख्याति प्राप्त करके चाहे बदनामी प्राप्त करके चाहे लोगों का भला करके चाहे लोगों की गालियां सुनकर कर्म कभी मरता नहीं और ये कर्म ही, ही है और सिर्फ हमारे ही कर्म नहीं हमारे पूर्वजों के भी कर्म हम पर अप्लाई होते हैं है ना जब बाप की संपत्ति जब माँ बाप की संपत्ति बेटे या बेटी को मिलती है तो उनका कर्जा भी बेटे और बेटी को चुकाना पड़ता है ये तथ्य है अपने पूर्वजों के लिए हमें कुछ कर्म करते हैं श्राद्ध के और उसे ही श्रद्धा के साथ करते हैं इसीलिए उसका नाम श्राद्ध है हम अपने पूर्वजों के लिए पापों का फल जब उनकी वंशावली में से किसी भी एक जातक को भोगना पड़े तो वह ऋण कहलाता है और ऋण आपकी कुंडली दिखाती है ऋण अर्थात पूर्वजों का ऋण अगर पिता ऋण लेता है तो पुत्र चुकाता है पुत्री चुकाती है पिता प्रॉपर्टी छोड़ के जाता है तो पुत्र या पुत्री चुकाती है यह जीवन का सत्य है इसी तरीके से लाल किताब ने इसे ज्योतिष से जोड़ दिया है और वैसे मैं आपको बता दूं बृहद पाराशर होरा शास्त्र में चौदह अलग अलग तरीके के पताका दिए गए हैं चौदह अलग अलग तरीके के दोष बताए गए हैं ना आप इसे सरल भाषा में माने कि अगर अगर पिता गलती करता है तो पुत्र फल भोगता है है ना और पिता अगर बड़ा व्यापार बना करके जाता है तो पुत्र उसे भोगता है ये सिंपल है आप इसे थोड़ा सा पौराणिक दृष्टि से भी ले लें रामायण काल की बात कर लें दशरथ ने श्रवण को तीर मारा श्रवण का देहांत हो गया श्रवण के माँ बाप ने दशरथ को श्राप दिया कि तुम भी पुत्र वियोग में मारे जाओगे वो मारा गया तुम्हारा पुत्र भी कभी सुखी नहीं रहेगा तो राम ने भी आजीवन सुख देखा ही नहीं चाहे वो भगवान थे लेकिन तो भी कर्म बंधन में बंधे हुए थे कर्म बंधन से ना तो कृष्ण आ सकते हैं ना राम आ सकते हैं ना कोई देवी देवता आ सकता है कर्म से परे एकमात्र एकमात्र सर्व ईश्वर है फॉर्मलेस ईश्वर पर ब्रह्म जिसे हम पर होम शिव हम कहते हैं इसके अलावा बाकी सभी कर्म के बंधन में है स्वयं भगवान विष्णु भी ब्रह्मा भी हर देवी और देवता भी जीवन में जो आपको फल मिलने वाला है वह केवल आपके कर्मों का ही फल नहीं होता आपके पूर्वजों के कर्मों का फल भी आपको भोगना ही पड़ता है यह कटु सत्य है और ध्रुव सत्य है पूर्वजों के दुष्कर्मों का फल उनके वंशजों को भी भोगना पड़ता है यही पितरण है जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दू अगर किसी के परिवार में किसी ने आत्महत्या की है तो आप ये उसके मंगल और राहु का फ्यूजन देखिएगा चार्ट में कुंडली में बिल्कुल साफ नजर आएगा अगर जैसे पढ़ना आता है तो दसवें भाव के स्वामी का कनेक्टिविटी देखिएगा राहु और मंगल से आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं लाल किताब में ग्रहों से निर्मित ग्यारह ऋण बताए गए हैं और इस एपिसोड में हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं उसमें हम ग्यारह एपिसोड या ग्यारह या बारह एपिसोड आपको जरूर दिखाएंगे आने वाले सोलह सत्रह दिनों में और इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि जो आप पर ऋण आया है उसे कैसे दूर करेंगे सबसे पहली बात ये ऋण बनता कैसे है पितृदोष स्वयं का पितृदोष बनता कैसे है और उसके साथ में कारण भी मैं आपको बता रहा हूँ निवारण भी जरूर बताएंगे देखिए नास्तिकता के कारण बनता है अगर कोई परिवार का बच्चा आपके घर में नास्तिक निकले जो आपके रीति रिवाजों को ना माने और यूं मान लीजिए थूक दे अपने रीति रिवाजों पर तो ये स्वर्ण दोष बनता है दूसरी बात ग्रह क्या संकेत देते हैं कुंडली में पांचवें घर में अगर शुक्र आ जाए या पापी ग्रह आ जाए तो सूर्य पीड़ित हो जाता है और सूर्य अगर नीच का हो जाए उस पर शुक्र आ जाए साथ में तो ये समझ लीजिए कि आपका बच्चा रीति रिवाज आपके मानेगा ही नहीं इस ऋण के प्रभाव से जातक को शारीरिक कष्ट होता है मुकदमे में हार मिलती है राजदंड मिलता है प्रत्येक कार्य में संघर्ष करना पड़ता है अशुभ प्रभावों से गुजरना पड़ता है और जातक निर्दोष होते हुए भी दोषी भी माना जाता है अब इसकी सबसे बड़ी पहचानी कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना जीवन काल में बहुत ऊँचे बढ़ते हैं आगे लेकिन धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं ये पर्टिकुलरिटी रूल है और उनके घर में आप ज़रूर एक बात देखिएगा पूर्व दिशा में दरारें आएंगी ये फैक्ट है आप करके देखिए चेक करके देखिए अब इसके मैं आपको तीन उपाय बताने जा रहा हूं और तीनों ही करने पड़ते हैं ऐसा नहीं कि कोई भी एक कर लीजिए तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं अगर ये ऋण है तो कुटुंब में सभी परिजनों से थोड़ा सा पैसा ले लीजिए पचास पचास सौ सौ रुपये और किसी भी रविवार के दिन शुभ दिन सूर्य का यज्ञ कराइए बराबर पैसे लेके सबसे इससे प्रभाव कुछ कम होंगे उपाय नंबर दूसरा जब भी कोई काम शुरू करें तो थोड़ा सा गुड़ खा लें मुंह मीठा कर लें और ऊपर से पानी पी लें दो घूंट और उसके बाद काम शुरू करें तीसरी एक रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन पहनें रुद्रामल तंत्र शास्त्र में और जवाला उपनिषद में इसका साफ वर्णन है बारा मुखी, नौ मुखी और छह मुखी रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन पहनें प्राण प्रतिष्ठित करवा के इसको और इसको गले में धारण करें तो स्वर्ण में आत्मऋण भी कहते हैं इसको इससे मुक्ति मिल जाती है तो दोस्तों कल आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय को लेकर आज के लिए बस इतना ही कल आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक अपने मित्र कमल नंदलाल को सुम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि हम सभी का आने वाला भविष्य सुखद सुंदर और स्वर्णम हो इजाज़त दीजिए नमस्कार नमः शिवाय हर हर